नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइट पे स्टडी में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिएगा दोस्तों, पिछली क्लास में त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूले बताए थे जिससे आप मान निकाल सकते थे। दोस्तों अब मैं जो है आपको जीरो से नब्बे तक त्रिकोणमिति है मान कैसे निकालते हैं इसको बताते हैं। तो सबसे पहले मैं पहले का निकालूंगा, साइन का। साइन आपका मान पहले मैं निकालूंगा साइन का। तो दोस्तों सबसे पहले हम 0, 30, 45 और 60 तथा 90, ये मान हम आपको सिखाएंगे कैसे निकाले जाते हैं। याद करना एक अलग बात है, परंतु कैसे निकालते हैं ये हम बताएंगे। तो सबसे पहले यदि आपका जीरो यहां पे दिया हुआ है और हमको निकालना किसका है, साइन का निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो जीरो के आगे हम जीरो लिख लेंगे और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है दोस्तों। गिनती लिख लिया मैंने कि हमको निकालना मान किससे किसका है, 0 से 90 तक का, वो भी 0, 30, 45, 60, 90। यदि हमको ये मान निकल आते हैं, चूंकि ये हमारे मूल है, ठीक है, ये हमारे मूल है, तो इसको हम निकालेंगे। साइन का हम सबसे पहले निकाल रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये मैं अपने मन से लिख लिया। सबको मैंने 4 से भाग दे दिया, किससे भाग दे दिया, 4 से भाग दे दिया दोस्तों। तो ये आपका क्या आएगा, हल होके 0 आ जाएगा ना, ठीक है, ये आपका यही रह जाएगा, ये आपका हल होगा तो कितना आएगा, 1/2, ये तो सेम रहेगा और ये आएगा, ये निकल के आएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, सभी का पूरे का रूट ले लेंगे हम, सभी का वर्गमूल क्या ले लेंगे, वर्गमूल। तो ये निकल के आएगा 0, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/√2, ये आएगा √3 और 4 का हो जाएगा 2 और ये 1। दोस्तों ये आपके जो मान निकल के आए ये साइन के हैं, फिर से देखिएगा, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होगा, 1 होगा दोस्तों। फिर से एक बार देखिएगा, हमको 0 से 90 तक के त्रिकोणमिति मान निकालने हैं, वो भी 0, 30, 45, 60 और 90 के, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3, 90 के नीचे 4, मतलब बढ़ते हुए क्रम में गिनतियों को लिख दिया 0 से लेकर। फिर उनके बटे में मैंने क्या कर दिया, 4 4 कर दिया, फिर उन सभी का थोड़ा सरल कर लिया और फिर वर्गमूल ले लिया। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान 1/√3/2 और साइन 90 का मान 1। हमको अब निकालना है कॉस का, किसका निकालना है, कॉस का। ये लाइन हम छोड़ देंगे, इस लाइन को हम छोड़ देंगे और ये ऊपर का हटा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसको हम ऊपर का ले रहे हैं, तो साइन 0 का मान 1, ये 1/2, 1/√2, √3/2 और ये 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब निकालना हमको किसका है, कॉस का निकालना है। तो कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान, कॉस 45 का मान और कॉस 60 और 90 का मान, ये निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी आंखें बंद कर लें और इधर से लिखना चालू करें, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। दोस्तों कॉस मान निकला है, कॉस के मान निकल आया आपके कॉस के, ध्यान से देखिएगा कैसे निकाला। जो ये लाइन आपकी साइन वाली है, इसको मैंने यहां से लिखना प्रारंभ कर दिया, जो 90 की है वो 0 की, जो 60 की है वो 30 की और 45 सैटिस और 30 की 60 की और 0 की 90 की। ध्यान से देखिएगा, जो कॉस 0 का मान है 1/1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 का मान 0, ठीक है दोस्तों। आपके निकल के आ गए दो मान, कितने निकल के आ गए दोस्तों,
दो मान निकल के आ गए, हमको निकालना किसका है, टेन का मान निकालना है दोस्तों। किसका मान निकालना है, टेन का मान निकालना है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला मैंने अभी पीछे पढ़ाया था उसमें छूट गया था दोस्तों, ऐड कर लीजिएगा कि टेन थीटा बराबर आपका होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है, साइन थीटा बाई कोस थीटा ये बराबर किसके होगा, टेन थीटा के बराबर होगा दोस्तों। ठीक है, तो हम निकालेंगे, अब हमको निकालना टेन जीरो का मान, तो जीरो के दोनों को हम लिख दिया, जीरो बाई जीरो। तीस का निकालेंगे तो एक बटा दो और भाग में रूट तीन बाई दो, या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये रूट थ्री बाई टू, वन रूट टू भाग वन रूट टू, रूट थ्री बाई टू भाग वन बाई टू, और ये वन बाई जीरो। ठीक है दोस्तों, हल कर लेते हैं, जीरो दो से दो कैंसल, एक बटा रूट तीन कैंसल, एक कैंसल रूट तीन, और ध्यान दीजिएगा यदि एक के नीचे एक या किसी संख्या, ये आपका लिखा हुआ है चार, चार के नीचे जीरो है तो उस संख्या का मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत। ठीक है, इनफिनाइट। तो ये मान आपके निकल के आए टेन के दोस्तों। फिर से देखिएगा, जो आपका टेन जीरो का मान होगा जीरो होगा, टेन तीस का मान होगा वन बाई रूट थ्री होगा, टेन पैंतालीस का मान एक होगा, टेन साठ का मान रूट थ्री होगा, और टेन नब्बे का मान कितना हो जाएगा, इनफिनाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके तीन मान तो निकल के आ गए, अभी हमको तीन मान और चाहिए ना, तो जगह तो कम है तो इसको हम साफ करना पड़ेगा, और इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, जीरो वन रूट बाई थ्री, एक रूट थ्री, और ये अनंत। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, आगे हमको चाहिए आप कोसेक का मान, तो सभी हमारे निकल आए, अभी आपका दिया हुआ है जीरो, जीरो का आपका जीरो ही रहेगा। ठीक है, जीरो का जीरो ही रहेगा ना। ठीक है, अब देखिएगा आगे, एक बटा दो का दो हो जाएगा, और इसका रूट टू हो जाएगा, इसका रूट दो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये एक का उल्टा एक ही रहेगा। इसी प्रकार से आप करेंगे सेक का और कॉट का। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे, आगे देखिए दोस्तों, सेक का देख लेते हैं, तो सेक ये एक दिया हुआ है कोसेक का, तो कोसेक का उल्टा ये एक का उल्टा क्या होगा आपका, एक हो जाएगा, और ये आपको दिया हुआ है दो, तो दो रूट तीन हो जाएगा दोस्तों, और ये आपका यहां पर दो हो जाएगा, ये आपका दो हो जाएगा, ये जीरो है, जीरो का उल्टा आपका, देखना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ है, एक मिनट, ये जीरो का उल्टा, अगर जीरो को मैं उल्टा करूंगा ध्यान से देखेगा, मतलब ऊपर की संख्या नीचे, तो ऊपर हमारा क्या जाएगा, एक जाएगा, इसके नीचे हमारा एक हमेशा रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर एक ऊपर जाएगा तो एक संख्या हो गई, एक संख्या हो गई, और संख्या के नीचे जीरो का मतलब अनंत होता है दोस्तों, तो कोसेक जीरो का मान क्या आएगा, अनंत आएगा, तो सेम यही पे होगा आपका, अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलो देखते फिर से, अब कोट का निकालना है, तो कोट यहाँ पे जीरो है तो इसका निकल के आएगा अनंत। ठीक है, और ये आपका टेन रूट थ्री, और ये एक, ये वन बाई रूट थ्री, और अब ये अनंत का जो होगा जीरो हो जाएगा, क्या जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ, ये आपकी नीचे की लाइन छूट गई है दोस्तों, नीचे थोड़ा कैमरा नहीं जा पा रहा है, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ये कोट का ऊपर रहेगा, कोट का मान जो रहेगा ऊपर रहेगा दोस्तों, और ये आपका मेन है। ठीक, तो एक का क्या रहेगा आपका, टेन का, तो ये जीरो का अनंत रहेगा, इसका रूट थ्री रहेगा,
इसका एक ही रहेगा, इसका 1/√3 हो जाएगा और अनंत का 0 हो जाएगा। दोस्तों एक बार मैं फिर से 6 के 6 मान को जो है बताता हूं कैसे। sin 0 का मान 0, sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का मान 1/√2, sin 60 का मान √3/2, sin 90 का मान 1, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2, cos 90 का मान 0। ठीक है दोस्तों, tan में आ जाओ, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत। अनंत का मतलब नॉन डिफाइंड, ठीक है। अब cosec में आ जाएगा, cosec 0 का मान अनंत, cosec 30 का मान 2, cosec 45 का मान √2, cosec 60 का मान √2/√3 और cosec 90 का मान 1। sec क्या आएगा, sec 0 का मान 1, sec 30 का मान 2/√3, cosec 45 का मान √2 और ये sec 60 का मान 2 और sec 90 का मान अनंत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद cot 0 का मान अनंत, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। दोस्तों ये थे आपके कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान थे वो तुम्हारे थे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। दोस्तों अगली क्लास में हम जो है इससे कुछ बड़े मान निकाल के बताऊंगा, दोस्तों कैसे निकाले जाते हैं वो बताऊंगा और कुछ उसके साथ न्यूमेरिकल भी लूंगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।